नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन का ट्यूटोरियल, जिसे आप बेहद आसानी से बना सकते हैं। इस एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने यहाँ पर ये बेसिक ये ड्रॉ किया है और उसके ऊपर हमें ये ग्रीन कलर का कुंदन यहाँ चिपकाना है। इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पर चिपकाएंगे और फिर हमें लेनी है ये जरदोजी, और इस जरदोजी को हमें कट करना है। जितने आप सुई में पिरो सकते हैं उतना हमें कट करना है और यहाँ सेंटर में इसे अटैच करेंगे। तो जितनी जरदोजी हमने ये कट की है उतनी पिरोई, और यहाँ चेक करना है कि शेप में अंदर कहाँ तक आती है, फिर सुई को अंदर डालना है और फिर इस जरदोजी को लॉक करेंगी। और इसी तरह से आगे ये जो हमारी शेप है उसके अंदर ये जरदोजी को अटैच करना है और लॉक करना है। इस तरह से हमने जरदोजी को ये अटैच कर दिया। उसके बाद में सेंटर का जो पार्ट है वहाँ पर हमने ये छोटी जरदोजी कट की है इस तरह से, और इसके ऊपर इसे अटैच करना है। फिर पास पास में सेंटर से एक साइड का हिस्सा पूरा भर देंगे। हमने जो बीच में जरदोजी पहले फ्लैट अटैच की है, ये इसलिए क्योंकि अभी ये जो हम जरदोजी अटैच कर रहे हैं छोटी साइज की, इसके ऊपर उभार आए। इस तरह से हमने ये एक हिस्सा आधा हिस्सा इसका जरदोजी से फिलअप कर दिया है, और इसी तरह से दूसरा हिस्सा ये आधा पूरा कंप्लीट करना है जरदोजी को इस तरह से अटैच करके। यहाँ पर मैंने इसे अटैच कर दिया है और उसके बाद में हम लेंगे स्मॉल साइज़ के ये बीड्स, और इन बीड्स को यहाँ जरदोजी के चारों ओर और जो कुंदन है उसके चारों ओर अटैच करना है। तो कुंदन के यहाँ से सुई धागा निकाला और इतने बीड्स पिरोए हैं जो इसके सर्कल में आए, और इस तरह से वापस इसे लॉक करना है। अब ये जो जरदोजी है इसके अंदर का हिस्सा और बाहर की पूरी बाउंड्री हमें भरनी है। कुछ कुछ हिस्से में ये हम बीड्स अटैच करके इसे लॉक करेंगे, और यही प्रोसेस आगे ये पूरी जरदोजी की चारों ओर करना है। आप चाहें तो इससे पहले ग्लू से भी चिपका सकते हैं, एक साथ सारा ये बीड्स पिरो के ग्लू से भी चिपका सकते हैं और उसके बाद में लॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये सारे बीड्स अटैच कर दिए हैं, और उसके बाद में लेने हैं थोड़ी बड़ी साइज़ के ये गोल्डन बीड्स। और ऊपर एक बड़ी साइज़ का ये लिया और एक छोटी साइज़ का ये बीड्स लेकर इस तरह से अटैच करेंगे, और वापस इसके सेंटर में नीचे ये अटैच करना है। फिर ये जो हमारा सर्कल है इसके अंदर हमें थोड़ा थोड़ा गैप रखते हुए इन बीड्स को अटैच करना है। इसके बाद आउटर की जो लाइन है यहाँ पर हमें ये बीड्स अटैच करने हैं पास पास में। ऊपर हमने ये जो मार्क दिया है वहाँ तक लगभग ये एक बड़ा गोल्डन बीड्स और एक छोटा गोल्डन बीड्स इस तरह से अटैच करने हैं। उसके बाद में हमें एक सिंगल गोल्डन बीड्स अटैच करना है, और फिर उसके पास में एक पर्ल अटैच करना है, मोती।
इसी साइज का हम ये मोती थोड़ा इसके पास में अटैच करेंगे, फिर वापस गोल्डन, फिर मोती। इस तरह से नीचे का आधा हिस्सा हमें ऐसे फिलअप करना है। यहाँ हमने ये आधा हिस्सा कंप्लीट कर दिया है, एक मोती एक गोल्डन ये हो गया। उसके बाद में हमने गोल्डन ये बीट्स और फिर एक स्मॉल बीट्स लिया है वो अटैच करेंगे, जैसे हमने ये लेफ्ट साइड में कंप्लीट किया है वैसे ही। आप चाहें तो ये डिज़ाइन इतने ही कंप्लीट कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लुक देगी। और इसमें अगर आप हैवी पूरा हैवी लुक देना चाहते हैं तो आगे और लेयर्स अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये एक लाइन का हिस्सा कंप्लीट होता है। फिर हमारे जो गोल्डन मोती है, ऊपर गोल्डन बीट्स है, उस पर नीचे एक गोल्डन बड़ा बीट्स और फिर स्मॉल साइज का। उसके बाद की जो लाइन है वहाँ पर हमें सिर्फ ही गोल्डन बीट्स अटैच करना है आधे हिस्से में, जहाँ तक ये हमारी गोल्डन और मोती है वाइट, उसकी लाइन तक ही इन गोल्डन मोती की लाइंस को अटैच करना है। ये सेकेंड लाइन ये रहेगी। यहाँ पर ये लाइन हमारी कंप्लीट हुई, सेकेंड लाइन। उसके बाद में हम वापस ये वाली लाइन रिपीट करेंगे गोल्डन मोती के साथ में, ये जो स्मॉल साइज का ये बीट्स है वो इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये थर्ड लाइन इसकी रहेगी। इस तरह से ये थर्ड लाइन हमारी कंप्लीट हुई है। उसके बाद में हम एक और लाइन लेंगे, जिसमें इसमें सबसे बड़ी साइज़ का जो ये बीट्स है और स्मॉल साइज़ का बीट्स अटैच करना है इस हिस्से तक ही। इस तरह से ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा हैवी लुक देगी और ये सिंगल बूटी एकदम ग्रैंड लुक देगी। आप अपनी स्लीव्स में ओनली भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ एक बूटीज या फुल ब्लाउज में ये आप ये बूटी को साथ साथ में यूज़ करते हैं तो इसका लुक बहुत ज़्यादा हैवी आएगा। और कम हैवी करना चाहते हैं तो इसकी लेयर्स को कम कर सकते हैं नीचे से। और इसे बनाना तो बेहद आसान है नॉर्मल नीडल के साथ में। इस तरह से ब्लाउज़ पीस डिज़ाइन का आइडिया इस तरह से रहेगा। और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।